गाइस फाइनली आज स्कूल जाना है। पहला दिन है स्कूल का और पहला पेपर है। फिर 16 से छुट्टी है, मोए मोए। फिर से छुट्टी, फिर मैं चढ़ूंगा नए क्लास में, फिर तब देखेंगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जी गाइस, आज बहुत टाइम के बाद अरफात स्कूल जा रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपने स्कूल डेज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। काश हम दोनों एक ही स्कूल में होते और मैं भी वहाँ पढ़ता होता। हम दोनों एक ही साथ जाते गाड़ी में, एक ही क्लास में होते। बाय द वे आज स्कूल जा रहा है, बहुत सारे बच्चे गए भी, लगभग एक दो दिन से जा रहे हैं, लेकिन इसको आज जाना था। चलिए ये देखिए आशु भाई, ये डून इंटरनेशनल स्कूल की गाड़ी चलाते हैं। तो जी ये आ गई गाड़ी, चलो भाई। तो जी अरफात गया स्कूल, मुझे भी बहुत सारे काम है आज, मैं भी वो काम खत्म करता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा आगे का प्रोसेस। फिलहाल अब बने रहे। तो जी YouTube फैमिली, सबसे पहला काम है मुझे आज जाना है मेरे हायर सेकेंडरी जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है 9th, 10th, 11th एंड 12th। वहाँ पे थोड़े से डॉक्यूमेंट लाने हैं, उसके बाद जाना है मुझे डायरेक्ट बेमना बोर्ड के पास, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है। तो पहले जाएंगे हायर सेकेंडरी, नज़दीक है मेरे घर से, तो फिलहाल निकलते हैं। और सर को भी मैंने कॉल किया और मौसम देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जी दोस्तों ये रही हायर सेकेंडरी जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है, अभी जाते हैं अंदर और काम करते हैं। स्कूल का काम मैंने कर लिया कंप्लीट, अभी मैं आया हूँ बोर्ड में, यहाँ पे भी थोड़ा सा काम है वो भी ख़त्म करते हैं। सर ने बताया आपको जाना है ब्लॉक 2 में, तो जी वो आगे है। तो जी स्कूल का काम तो हो गया कंप्लीट, लेकिन यहाँ का काम कंप्लीट नहीं हुआ, पोपट हो गया। आज सैटरडे था, बैंक बंद है, तो मुझे फ़ी भरना था, इन्होंने बोला अब मंडे आना 10 बजे। अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने सोचा था आज मैं पूरा काम कंप्लीट करके आऊँगा। खैर अब मंडे आते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ख़त्म करके मैं वापस आ गया और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए आगे, ये अरफात की स्कूल की बस है, वो भी आ रहा है एग्ज़ाम देके। रैंडमली मुझे ये स्कूल बस यहाँ पे मिल गई, वो देखिए आगे आगे स्कूल की बस है। आज पहला दिन था उसके स्कूल का, उसको आप बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। मैं इसको शॉल टैंक से फॉलो कर रहा हूँ गाड़ी को, और उसको बिल्कुल भी पता नहीं है यावर भाई पीछे पीछे है। तो जी उसको सरप्राइज देते, वो उतरने वाला है, ये देखिए 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 वो उतर गया भाई साहब, ये देखिए सरप्राइज। शॉल टैंक से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। कहाँ से? शॉल टैंक, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, आपके घर से? वो शॉल्टिंग कैसा रहा पेपर? अच्छा, वो फील गो का वंशुर मैंने अच्छा किया, वो चक फील गो मत, मैंने अच्छा किया। तो पेपर आयो कौन बैग में? कहा तो सो एग्जाम ईवीएस तला, तेरे मुंह से ही पता लगता है तू फेल हुआ है। ये गाड़ी में था किया रहा थे ठीक है। क्या है पता से गिंदा आज तू लगभग 2-3 महीने के बाद गया, कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया। पहले रुकना, इंटरव्यू चल रहा है ना। बहुत मजा आया। किस में ज्यादा मजा आया? खेलने में। पेपर दिखा, पेपर मैं देखूंगा ना तूने क्या किया है। कितने मार्क्स करे? बराबर 50। सोलिम ओ चुप करो जरा, ये क्यों, कौन सा पेपर है? Yes. ये पहला Who built the Red Fort? How can we prevent? ये वाला नहीं किया, ये वाला किया। से गॉड ने कुछ इत्रो मत। इसमें 24 थे ना, पहला नहीं किया, ये किया, ये किया। पास आज का? ये किया, ये किया, हाँ। चलिए देखते हैं, वो तो रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा। मैं भी तब से अब घर आ गया, जब से तू स्कूल निकला है ना, मैं भी बिजी था, मैं भी अब आ रहा हूँ, अब मैं भी खाना खाऊँ। बोर्ड पे, स्कूल पे मुझे भी काम था। चलो गाइज, लंच मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तो बस ये लस्सी पीऊँगा और ये सैलेड, क्योंकि आपको पता ही अब आदत करनी है, माह मुबारक आने वाला है, अभी से हम आदत करते हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे भूख नहीं है, मैंने चाय पी थी, दैट्स वाई मैंने सोचा लस्सी पियेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी मैंने लस्सी पी ली और ये जो मेरा खाना बचा है ये इनको देंगे। ये देखिए, ये देखिए बुखड़। नीचे मत गिरा। स्पीड देखो खाने की भाई। वाह मामा या शोमन खतरा बाकी यहाँ पे। एक्चुअली इनको अलग अलग इसलिए रखा है, जो ये वाले हैं ना ये बहुत कमीने हैं, ये वाले ये इनको खाते हैं, ये शरीफों की पार्टी है। तो जी गाइस अभी अरफात ने बोला मेरे फ्रेंड के पास जाएंगे, साइकिल राइडिंग करेंगे। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी मैं आजकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देता हूँ। ये अरफात है, इसका दोस्त अरसलान, वो रही मेरी साइकिल। कैसे हो ब्रदर? बस बढ़िया। तो जी कहाँ जाएंगे साइकिल राइडिंग पे? अभी आज हमको अभी दिखाएगा ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग किस साइड से जाएंगे? उस साइड से हम आराम से निकलेंगे वहाँ। चलिए फिर चलिए। मैंने भी जब से ये साइकिल लाई एक बार भी नहीं चलाई है अच्छे से, थोड़ा बहुत चलाते हैं फिटनेस भी अच्छी हो जाएगी इससे। इन्होंने पता नहीं मुझे कहाँ से लाया। ये कौन सा रोड है भाई? ये तो खंडर है भाई। चलिए देखते हैं। आप लोगों के पास मोटे टायर है, मेरे पास नहीं है, मैं ऑफ रोड नहीं कर सकता, सॉरी। ओ भाई साहब, ओ मैं पहली बार आया इस साइड से। तू क्यों सा यहाँ पर करा? अब आगे रोड देखिए, मैं तो नहीं आ सकता भाई। होई 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 होई, ओ मेरा टायर फट जाएगा ब्रो। ओ मैं कैसे आऊँ, एक ही हाथ से चला रहा हूँ वो। ओ भाई साहब ये तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग है यार। ओ भाई साहब एक्चुअली मुझे व्लॉग भी करना है राइट हैंड से, दैट्स व्हाई मेरा बैलेंस टूट रहा है। ओ भाई साहब एक्चुअली मैं एक हाथ से व्लॉग कर रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई मेरा बैलेंस पूरा नहीं है। अभी मैं व्लॉग बंद करता हूँ, आगे जाता हूँ। तो जी गाइस ये देखिए यहाँ से रोड ही ख़त्म है। आपको पता है वहाँ से क्या है? ये चमटी है, यहाँ से बनने वाला है ना। ये देखो अगर यहाँ से रोड होता ना तो हम यहाँ से उमराबाद पहुँच गए, बस 2 मिनट का सफ़र है। ओ भाई साहब कहाँ लाया मुझे वो। ऑफ रोडिंग हाँ सच में बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोड था। चलिए अब निकलते हैं। तो जी गाइज अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मुझे याद आया मैंने ब्लॉग को एंड किया ही नहीं, तो दैट्स वाई अब मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। तो खैर आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अब कुछ ही दिनों में माह मुबारक आने वाला है, तो मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक दें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।